होगा हमारा सीधा सरोकार। हम नहीं किसी के पैरोकार। हर खबर की तह तक जाएंगे हम, हर खबर का करेंगे पूर्ण विश्लेषण। देखिए चार का चक्रव्यूह मेरे साथ शाम 4 बजे। ऑल इंडिया में आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। पंजाब कांग्रेस में जारी कलह शांत होने का नाम नहीं ले रही है। सिद्धू को पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की चर्चा के बीच खबर है कि अब सूबे के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह और पुराने कांग्रेसी नेता सिद्धू को पंजाब का ग्रेस अध्यक्ष के तौर पर स्वीकार करने के पक्ष में नहीं है। वो नहीं चाहते हैं कि पंजाब कांग्रेस की कमान नवजोत सिंह सिद्धू को पता काटने के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने पुराने विरोधियों को भी गले लगाने के लिए तैयार हैं। बता दें बीती रात पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के सिसवा फार्म हाउस में हुई बैठक में कैप्टन के पुराने विरोधी प्रताप सिंह बाजवा के बीच बातचीत हुई और सहमति बनी। सिद्धू को पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष बनने से रोकने के लिए पार्टी में पुराने कांग्रेसी नेताओं को तवज्जो देने का मुद्दा भी उठाया जाएगा। कांग्रेस के कुछ नेता कांग्रेस पार्लियामेंट्री कमेटी में ये मुद्दा उठाने की तैयारी कर रहे हैं। तो बता दें कैप्टन अमरिंदर अपना ओल्ड दाव खेलते हुए यहां पे नजर आ रहे हैं। सिद्धू का पत्ता काटने की तैयारी की जा रही है। हालांकि कल कहा जा रहा था कि रविवार या फिर सोमवार तक पंजाब कांग्रेस को लेकर कोई बड़ा ऐलान हो सकता है, लेकिन इसके बीच अब सिद्धू का पत्ता कटता हुआ नजर आ रहा है। बैठकों का दौर लगातार जारी है और ऐसे में एक बार फिर ये खबर सामने आ रही है कि सिद्धू का पत्ता कट सकता है। हो सकता है कि कल बड़ा ऐलान ना हो कोई। पिछले कई दिनों से ये चर्चा थी, पिछले कई दिनों से ये खबर सामने आ रही थी कि आने वाले कुछ दिनों में पंजाब कांग्रेस को लेकर और सिद्धू के पद को लेकर कोई बड़ा ऐलान हो सकता है, लेकिन इन सबके बीच एक बार फिर से सिद्धू की ताजपोशी जो है टलती हुई नजर आ रही है। संसद का मॉनसून सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है। ऐसे में किसान संगठनों ने कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर 22 जुलाई को संसद का घेराव करने का ऐलान किया है। हालांकि दिल्ली पुलिस संसद भवन के बाहर प्रदर्शन की इजाजत देने के मूड में नहीं दिख रही है। इसी मुद्दे पर आज दिल्ली पुलिस और किसान नेताओं के बीच बैठक जारी है। सिंगू बॉर्डर के पास बता दें एक हॉल में ये बैठक चल रही है जहां जॉइंट सीपी और डीसीपी स्तर के अधिकारी मौजूद हैं। वहीं किसानों की ओर से बैठक में 9 सदस्यों का प्रतिनिधि मंडल मौजूद है। पुलिस नहीं चाहती कि किसान संसद के सामने धरना प्रदर्शन करें। बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस संसद के सामने प्रदर्शन की मंजूरी देने के पक्ष में नहीं है। साथ ही इस बैठक में पुलिस की ओर से साफ कर दिया जाएगा कि किसानों को संसद भवन के सामने प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी जाएगी। हालांकि किसानों को जंतर मंतर का विकल्प दिया जा सकता है, लेकिन इसमें भी सीमित संख्या में ही किसान शामिल हो सकेंगे। तो बता दें 22 जुलाई को किसान संसद का घेराव करने का ऐलान किसानों की तरफ से किया गया है, लेकिन दिल्ली पुलिस इसकी इजाजत नहीं दे रही है। इसी को लेकर आज किसानों और दिल्ली पुलिस के बीच एक बैठक चल रही है जो अब भी लगातार जारी है। हालांकि दिल्ली पुलिस किसी भी मूड में नहीं है किसानों को परमिशन देने के लिए। वहीं बता दें कि कल से मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है संसद का। हालांकि किसानों को जंतर मंतर का विकल्प दिया जा सकता है कि वो वहां पर जाकर अपना प्रदर्शन कर सकते हैं। हालांकि इसमें भी सीमित संख्या में ही किसान शामिल हो सकेंगे, ऐसी बात कही जा रही है। बता दें पिछले कई महीनों से किसानों का दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर कृषि कानूनों को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। ऐसे में अब कल से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है। 22 जुलाई को किसानों ने संसद घेराव का ऐलान किया है। झारखंड में सरायकेला में इस साल रथ यात्रा प्रभु जगन्नाथ का रथ नहीं चला, लेकिन शुक्रवार की रात हेरा पंचमी पर ओडिशा के जगन्नाथपुर की तर्ज पर सरायकेला में रथ भंगिनी परंपरा निभाई गई। बता दें सरायकेला खरसावा और हरिभंजा में सदियों से चली आ रही रथ भंगिनी परंपरा निभाई गई है। साथ ही मंदिर के सेवायतों ने सामाजिक दूरी का पालन करते हुए हेरा पंचमी पर आयोजित होने वाले सभी धार्मिक रस्मों को भी निभाया। मौके पर मां लक्ष्मी की तरफ से प्रभु जगन्नाथ के रथ के एक हिस्से की लकड़ी को तोड़कर परंपरा
को निभाया गया। साथ ही कोविड-19 को देखते हुए इस साल शुक्रवार की रात रत भंगनी के इस धार्मिक अनुष्ठान में कम श्रद्धालु ही नजर आए। तो बता दें कोविड-19 की वजह से श्रद्धालु बहुत कम संख्या में नजर आए और ऐसे में मौके पर मां लक्ष्मी की तरफ से प्रभु जगन्नाथ के रथ के एक हिस्से की लकड़ी को तोड़कर परंपरा को निभाया गया पूरी तरह से, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए श्रद्धालु की संख्या इस बार काफी कम नजर आई। शुक्रवार को की रात को बता दें रक्त भंगनी के धार्मिक अनुष्ठान में श्रद्धालु की संख्या काफी कम नजर आई। हर साल काफी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं, लेकिन इस बार कोरोना को देखते हुए तमाम प्रोटोकॉल्स रखे गए थे, जिसके बाद श्रद्धालु की संख्या काफी कम नजर आई। झारखंड के गुमला में शहीद नायमन कुजूर के नाम से बनने वाले स्टेडियम के निर्माण पर नक्सलियों ने रोक लगा दी है। दरअसल स्टेडियम बनाने के लिए जमीन को समतल करने वाले ग्रामीणों को भी मजदूरी नहीं करने की धमकी दी गई है। साथ ही स्टेडियम का निर्माण गुमला शहर के 85 किलोमीटर दूर चैनपुर ब्लॉक के बारडीह पंचायत स्थित तबेला गांव में कराया जा रहा था। बता दें 2 साल पहले स्टेडियम का निर्माण शुरू किया गया था, लेकिन इसके बाद ग्राउंड को समतल किया जा रहा था। ग्राउंड को बड़ा करने के लिए तबेला गांव के मुख्य सड़क के किनारे से जंगल के 60 से ज्यादा पेड़ों को काट दिया गया। सभी पेड़ बेशकीमती थे, वहीं अब ग्राउंड का निर्माण कार्य बंद है। स्टेडियम नहीं बनने से ग्रामीणों में खासकर युवा और छात्रों में नाराजगी है, लेकिन नक्सलियों के फरमान और धमकी की वजह से कोई स्टेडियम बनाने के लिए आवाज भी नहीं उठा रहा है। बता दें बारडीह पंचायत के एक सरकारी स्कूल के टीचर ने बताया कि तवेला में स्टेडियम बन रहा था, लेकिन बाद में काम बंद करा दिया गया। तो बता दें स्टेडियम का निर्माण कराया जा रहा था, जिसे नक्सलियों ने बंद करा दिया है। हालांकि मजदूरों को भी नक्सलियों के द्वारा धमकी दी गई है मजदूरी न करने की, और ऐसे में इसको लेकर युवाओं और खासकर छात्रों में काफी नाराजगी है। मध्य प्रदेश के सागर जिले में एक ट्रेनी विमान शनिवार को दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हालांकि हादसे में पायलट की जान बाल बाल बच गई। घटना पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हादसे पर संज्ञान लेते हुए जांच टीम को घटनास्थल पर भेज दिया है। बता दें मध्य प्रदेश के सागर जिले के ढाना इलाके में शनिवार की दोपहर करीब 3 बजे एक सेसना एयरक्राफ्ट रनवे से फिसल गया, इससे ट्रेनी विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ट्रेनिंग के दौरान विमान उड़ा रही प्रशिक्षु महिला पायलट की जान भी बाल बाल बच गई। घटना की सूचना मिलने पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मामले का संज्ञान लिया। उन्होंने कहा कि घटना की जांच के लिए एक टीम घटनास्थल पर पहुंच रही है। साथ ही हादसा सागर जिले के ढाना इलाके में स्थित चाइम्स एविएशन अकादमी में हुआ है। तो बता दें सागर जिले में रनवे से ट्रेनी विमान फिसल गया। हालांकि पायलट की जान बाल बाल बच गई है, जिसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पूरे मामले का संज्ञान लिया और जानकारी दी कि हादसे की जानकारी लेने के लिए एक टीम को घटनास्थल पर भेज दिया है। हालांकि एक बड़ा हादसा होने से टल गया। मध्य प्रदेश के छतरपुर में रविवार की सुबह करंट लगने से 6 लोगों की जान चली गई। बता दें घटना को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी दुख जताया है और साथ ही बताया है कि सभी मृतक एक ही परिवार के थे। जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के बिजावर थाना क्षेत्र के महुआ झाला गांव में रविवार की सुबह करीब 8 बजे अहीर परिवार के लोगों की करंट लगने से मौत हो गई है। आनन फानन में सभी लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया था, जहां डॉक्टरों ने सभी लोगों को मृत घोषित कर दिया। वहीं घटना के बाद गांव में कोहराम मच गया। वहीं बता दें घटना के संबंध में बताया जाता है कि टैंक से पानी निकालने के लिए बिजली की व्यवस्था की गई थी। पानी के टैंक को साफ करने के लिए घर का सदस्य टैंक में उतरा और उसे करंट लगने पर दूसरा सदस्य भी टैंक में उतर गया था। ऐसे में एक एक कर घर में 6 सदस्य टैंक के अंदर उतर गए और करंट की चपेट में आ गए। बता दें एक ही परिवार के 6 लोगों की करंट लगने की वजह से जान चली गई है। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इस घटना को लेकर दुख जताया है।
केंद्रीय कैबिनेट में बदलाव का काउंटडाउन जारी है। मोदी कैबिनेट में अब अगले एक या दो दिनों में बदलाव नजर आ सकता है। इन सबके बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंत्रिपरिषद की शीघ्र विस्तार की अटकलों के बीच बीजेपी के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंगलवार को इस पर कुछ भी कहने से परहेज किया। बहरहाल उनके एक करीबी बीजेपी नेता ने कहा कि वो मध्य प्रदेश के मालवा निमाड़ अंचल का दौरा अधूरा छोड़कर मंगलवार दोपहर दिल्ली रवाना हो सकते हैं। आपको बता दें कि सिंधिया उन प्रमुख दावेदारों में से शामिल माने जा रहे हैं जिन्हें मोदी मंत्रिपरिषद में जगह मिल सकती है। वहीं सिंधिया ने भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 120वीं जयंती पर इंदौर में उनकी प्रतिमा पर तमाम बीजेपी नेताओं के साथ माल्यार्पण किया। इस बीच केंद्रीय मंत्री परिषद में सिंधिया के शामिल होने की अटकलों के बारे में पूछे जाने पर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने कहा कि अगर उन्हें केंद्र सरकार में मंत्री बनाया जा रहा है तो उन्हें बहुत बधाई। तो बता दें सिंधिया को मोदी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। कांग्रेस के 22 बागी एमएलए के साथ बीजेपी सरकार है और ऐसे में अटकलें लगाई जा रही हैं कि मंगलवार को सिंधिया दिल्ली आ सकते हैं और तमाम जानकारी बीजेपी की तरफ से दी जा रही है। इस बीच केंद्रीय मंत्री परिषद में सिंधिया के शामिल होने की अटकलों के बारे में जब पूछा गया कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह से तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हो रहा है केंद्र सरकार में उन्हें मंत्री बनाया जा रहा है तो उन्हें बहुत बहुत बधाई। मध्य प्रदेश के स्कूली शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो क्लिप में मंत्री का आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करते हुए हैरान करने वाला बयान सामने आया है। दरअसल उन्होंने कहा है कि आप लोगों को मरना है तो मर जाइए। जानकारी के मुताबिक निजी स्कूलों की फीस को लेकर मनमानी के खिलाफ अभिभावकों का एक दल मध्य प्रदेश के स्कूली शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार से मिलने के लिए उनके आवास पर पहुंचा था। अभिभावक को कहना है कि बातचीत के दौरान मंत्री अचानक गुस्सा हो गए। मंत्री इंदर सिंह परमार की अभिभावकों से बातचीत के दौरान किसी बात को लेकर बहस हो गई थी, जिसके बाद गुस्से में उन्होंने कहा कि आप लोगों को जहां शिकायत करनी है कीजिए, आंदोलन करना है तो वो भी कीजिए, आप लोगों को मरना है तो मर जाइए। इसके बाद शिक्षा मंत्री अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से रवाना हो गए। तो बता दें मध्य प्रदेश का यह पूरा मामला है जहां पर बढ़ी हुई फीस को लेकर अभिभावकों कुछ अभिभावक उनसे मिलने गए थे, जिसके बाद ये बयान शिक्षा मंत्री का सामने आया है। उन्होंने कहा है कि आपको जहां भी जाकर शिकायत करनी है कीजिए, अगर आपको मरना है तो मरिए। बता दें लगातार तमाम ऐसे मामले सामने आ रहे थे जहां कोरोना के समय में स्कूल पिछले 1 से 1.5 साल से बंद है। ऐसे में फीस को लेकर तमाम तरह की जो स्कूल हैं वो अपनी मनमानी करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में कुछ अभिभावक शिक्षा मंत्री से इसी मुद्दे को लेकर बातचीत करने गए थे, जिसके बाद अब शिक्षा मंत्री का वीडियो वायरल हो रहा है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार की ओर से लाए गए जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर सियासत अब तेज हो गई है। जनसंख्या नियंत्रण कानून पर जारी विवाद के बीच मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने बुधवार को इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने कहा कि बीजेपी और योगी आदित्यनाथ की सरकार पर निशाना उन्होंने साधते हुए कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह बता दें जनसंख्या नियंत्रण कानून पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पढ़े लिखे लोगों के 2 से 3 से ज्यादा बच्चे कहां होते हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीबी इसका मुख्य कारण है, गरीबी मिटाओगे तो अपने आप जनसंख्या नियंत्रित हो जाएगी। बीजेपी पर हमला जारी रखते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने तो सन 2000 में ही ये नीति बना दी थी, इन्हें तो 21 साल बाद समझ आ रहा है। साथ ही उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण बिल का ड्राफ्ट उत्तर प्रदेश विधि आयोग की वेबसाइट पर अपलोड भी कर दिया है। तो बता दें जब से सीएम योगी की तरफ से ये कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में हो सकता है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू कर दिया जाए, उसके बाद से ही तमाम विपक्षी पार्टियां बीजेपी सरकार और योगी सरकार पर निशाना साध रही हैं और इसको लेकर सियासत भी अब काफी तेज हो गई है। ऐसे में दिग्विजय सिंह ने भी अब योगी और बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है।
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि वो कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक में अपमानित महसूस कर रही थी। उन्होंने इस बैठक को सुपर फ्लॉप करार देते हुए कहा कि बैठक में मुख्यमंत्रियों को कठपुतली की तरह बैठाया गया था, किसी को कुछ बोलने का एक भी मौका नहीं दिया गया। बता दें कि कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को राज्य के मुख्यमंत्रियों और जिला अधिकारियों के साथ एक वर्चुअल बैठक की थी। ममता ने कहा था कि उन्हें और कुछ अन्य राज्य के मुख्यमंत्रियों को बैठक के दौरान बोलने की इजाजत नहीं दी गई, ये काफी अपमानजनक है, जबकि बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बोलने का मौका दिया गया था। उन्होंने कहा कि हम कोई कठपुतली या बंधुआ मजदूर नहीं है, ये एक बेहतर तरकीब की बैठक थी, ये देश के संघीय ढांचे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई थी। तो बता दें, लगातार कोरोना की तीसरी लहर को लेकर पीएम मोदी लगातार कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं और इसी बैठक को लेकर ममता बनर्जी ने एक बार फिर से बीजेपी सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि उन्हें बैठक में बोलने की इजाजत नहीं दी गई, ये काफी अपमानजनक है। तो बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बीते कई दिनों, 2 से 3 दिनों तक लगातार तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की गई थी कोरोना की स्थिति को लेकर। ऐसे में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी इस बैठक में शामिल हुई थी, जिसके बाद उन्होंने ये बयान दिया है और निशाना साधा है मोदी सरकार पर कि बैठक में उन्हें बोलने की इजाजत नहीं दी गई। हालांकि इससे पहले भी ममता बनर्जी ऐसी बातें कहती हुई नजर आई थीं कि बैठक में उन्हें बोलने नहीं दिया जाता है। ऐसे में ये अपमानित अपने आप को ममता बनर्जी समझ रही हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक में उन्होंने कहा कि अपमानित महसूस कर रही हूं। उन्होंने इस बैठक को सुपर फ्लॉप करार देते हुए कहा कि बैठक में मुख्यमंत्रियों को कठपुतली की तरह बैठाया जाता है, किसी को कुछ बोलने का एक भी मौका नहीं दिया जाता। दरअसल कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच प्रधानमंत्री ने गुरुवार को कई राज्यों के मुख्यमंत्री और जिलाधिकारियों के साथ एक वर्चुअल बैठक की थी। ममता ने कहा था कि उन्हें और कुछ अन्य राज्य के मुख्यमंत्रियों को बैठक के दौरान बोलने की इजाजत नहीं दी गई, ये काफी अपमानजनक है, जबकि बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बोलने का मौका दिया गया। उन्होंने इतना ही नहीं, ये भी कहा कि हम कोई कठपुतली या बंधुआ मजदूर नहीं है, ये एक बेकार की बैठक थी, ये देश के संघीय ढांचे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश थी। यूपी बोर्ड परीक्षाओं के रिजल्ट की डेट की घोषणा आज यानी 28 जुलाई को हो सकती है। बता दें, प्रदेश के शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा रिजल्ट डेट का ऐलान कर सकते हैं। दरअसल यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं के लगभग 56 लाख स्टूडेंट्स का रिजल्ट एक साथ जारी किया जाना है। संभव है कि बोर्ड 10वीं के रिजल्ट पहले जारी कर सकती है। दरअसल बोर्ड ने 10वीं के स्टूडेंट्स के लिए अपने रोल नंबर डाउनलोड करने का लिंक एक्टिव कर दिया है, लेकिन 12वीं के छात्रों के रोल नंबर अभी भी जारी नहीं किए गए हैं। संभव है कि बोर्ड 10वीं का रिजल्ट पहले जारी करेगी और 12वीं का एग्जाम का रिजल्ट बाद में जारी किया जाएगा। रिजल्ट डेट की घोषणा के बाद ही यह स्पष्ट हो जाएगा कि आधिकारिक वेबसाइट यानी कि upmsp.up.nic.in पर किस दिन रिजल्ट चेक किया जा सकेगा। तो बता दें, ऐलान आज हो सकता है शिक्षा मंत्री की तरफ से यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं का रिजल्ट कब घोषित किया जाएगा। इसका ऐलान, तारीख का ऐलान आज शिक्षा मंत्री खुद कर सकते हैं और ऐसे में 10वीं का रिजल्ट देखने के लिए लिंक भी दे दिया गया है, जिसके जरिए स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट देख सकेंगे। और ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि पहले 10वीं का रिजल्ट जारी किया जाएगा, उसके बाद 12वीं का रिजल्ट जारी किया जाएगा। हालांकि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान 10वीं और 12वीं के परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया था और ऐसे में रिजल्ट बनाने की प्रक्रिया भी बोर्ड की तरफ से जारी की गई थी कि 10वीं का रिजल्ट 9वीं के एग्जाम के रिजल्ट के तौर पर के आधार पर बनाया जाएगा और वहीं 12वीं का रिजल्ट जो है वो 10वीं 11वीं और 12वीं के नंबरों के आधार पर बनाया जाएगा। तो ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि अब जल्द ही 10वीं और 12वीं का यूपी बोर्ड का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, पहले 10वीं और उसके बाद फिर 12वीं का रिजल्ट जारी किया जाएगा।
जामिया यूनिवर्सिटी ने अपने स्टूडेंट्स और पेरेंट्स ऑफ फैकल्टीज के लिए संस्कृत बोलने और सिखाने के लिए मुफ्त ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने का फैसला किया है। बता दें, संस्कृत भाषा का बेसिक ज्ञान लेने के लिए ये क्रैश कोर्स किया जा सकेगा। वहीं संस्कृत स्पीकिंग का ये कोर्स केवल 10 दिनों का ही होगा। इसमें स्टूडेंट्स को शुरुआती संस्कृत बोलने और समझने की जानकारी दी जाएगी। 10 दिनों के संस्कृत कोर्स में हर शाम 5 बजे से लेकर 7 बजे तक यानी 2 घंटे ये क्लास लगाई जाएगी। वहीं यूनिवर्सिटी ये कोर्स रविवार 18 जुलाई से यानी कि आज से शुरू कर रही है। बता दें, संस्कृत भाषा की क्लासेस 18 जुलाई से 27 जुलाई तक चलेंगी। ये कोर्स केवल स्टूडेंट्स के लिए सीमित नहीं है, बल्कि छात्र, शिक्षक, अभिभावक के साथ साथ कोई भी इस ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन कर संस्कृत बोलना सीख सकता है। कोर्स ज्वाइन करने के लिए उम्मीदवारों को डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत के लिए उसमें लॉगिन करना पड़ेगा। और ऐसे में जामिया की तरफ से ये कहा जा रहा है, जामिया की तरफ से आज से क्लासेस का ऑनलाइन जो है वो क्लासेस शुरू कर दी जाएंगी। हालांकि डिपार्टमेंट ने गूगल मीट का लिंक भी जारी कर दिया है, जिस पर जुड़कर क्लासेस अटेंड की जा सकेंगी। केवल वही उम्मीदवार क्लासेस ज्वाइन कर सकेंगे जो अपना रजिस्ट्रेशन पहले से ही कराएंगे। तो बता दें, जामिया ने संस्कृत बोलने के लिए एक क्रैश कोर्स का आयोजन किया है जो 10 दिनों तक होगा, यानी कि आज शाम से शुरू होगा। 27 जुलाई तक इसका आयोजन किया जाएगा। ऑनलाइन इस क्लासेस का आयोजन होगा। ऑनलाइन गूगल मीट के जरिए जो लोग, जो छात्र, जो शिक्षक, जो अभिभावक रजिस्ट्रेशन कराएंगे, वो लोग ये क्लासेस अटेंड कर पाएंगे। हर शाम 5 बजे से 7 बजे तक इन क्लासेस का आयोजन होगा। ओलंपिक में कुछ कर गुजरने के लक्ष्य के साथ भारतीय दल का 88 सदस्यीय पहला जत्था 23 जुलाई से शुरू होने वाले खेलों के लिए रविवार की सुबह टोक्यो पहुंच चुका है। भारत का 228 सदस्यीय दल ओलंपिक में भाग लेगा, जिसमें 119 खिलाड़ी शामिल होंगे। बता दें, कोविड-19 महामारी के बीच आयोजित किए जा रहे खेलों के लिए भारत के 8 खेलों में तीरंदाजी, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, हॉकी, जूडो, जिमनास्टिक, तैराकी और इन सब के खिलाड़ी और सहयोगी स्टाफ और अधिकारी नई दिल्ली से विशेष विमान से जापान की राजधानी पहुंचे हैं। पहला जत्था 88 सदस्यों का है, जिनमें 54 खिलाड़ियों के अलावा सहयोगी स्टाफ और भारतीय ओलंपिक संघ के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। बता दें, भारतीय खिलाड़ियों का हवाई अड्डे पर कुरोबो शहर के प्रतिनिधियों ने स्वागत किया। उनके हाथों में बैनर थे जिन पर लिखा था, कुरोबे भारतीय खिलाड़ियों का समर्थन करता है। तो बता दें, 23 जुलाई से टोक्यो में ओलंपिक खेलों का आगाज होगा और 1 महीने से कम समय तक ये चलेगा। ऐसे में भारत की तरफ से 119 खिलाड़ी इसमें भाग ले रहे हैं, जिसमें पहला जत्था आज टोक्यो पहुंच चुका है। हालांकि कोविड को देखते हुए तमाम प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखते हुए इन खेलों का आयोजन किया जा रहा है। देश भर में कोरोना संक्रमण के मामलों में भले ही गिरावट आई है, लेकिन संक्रमण के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 संक्रमण से ठीक होने वाले रोगियों में टीबी के मामलों की संख्या में अचानक वृद्धि होने की खबरों का खंडन किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि कोरोना संक्रमण और टीबी के मामलों को साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए। अभी तक इसके कोई ठोस सबूत या फिर किसी तरह का कोई वैज्ञानिक प्रमाण सामने नहीं आया है। सरकार का कहना है कि दोनों ही बीमारियां संक्रामक हैं और मुख्य रूप से फेफड़ों पर हमला करती हैं, लेकिन अभी तक दोनों पर आरोप लगाना सही नहीं है। दरअसल कुछ समय पहले कुछ रिपोर्टों में दावा किया जा रहा था कि मध्य प्रदेश के डॉक्टर्स ने पाया है कि टीबी रोगियों की संख्या अचानक बढ़ रही है और इन सभी का संबंध कोविड से है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कोरोना संक्रमण और टीबी के बीच संबंध की खबरों को खंडन करने के बाद सरकार ने कहा है कि 2020 में कोविड-19 से संबंधित प्रतिबंधों के प्रभाव के वजह से भारत में टीबी मामले की अधिसूचना में लगभग 25% की कमी आई है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। खबर से होगा हमारा सीधा सरोकार, हम नहीं किसी के पैरोकार। हर खबर की तह तक जाएंगे हम,
करेंगे पूर्ण विश्लेषण। देखिए चार का चक्रव्यूह मेरे साथ शाम 4 बजे। आपको देते जाएंगे कि थोड़ा सा आप लोगों को भ्रमित ना करें। नहीं देखिए मैं